ए टी पी सेंथिसिस फर्स्ट अकाउंटेंट्स हाइड्रोजन आइन ग्रेडियंट ए टी पी सेंथेटिस मैकेजम ऑफ ए टी पी सेंथिसिस एंड द फेट ऑफ अलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आइन तो स्टूडेंट को पढ़ने पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये ए टी पी सेंथिसिस जैसा कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है कि ए टी पी बेसिकली इट्स अ एनर्जी करंस जब वो करंसी है एनर्जी की जिस सेल ने जब भी कोई काम करना है सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होनी है परफॉर्म होनी है तो उसके अल्टीमेटली क्या होगा ए रिक्वायर होगी तो ए इज़ एक्चुअली द एनर्जी करेंसी और ए की जो सेंथिस है वो हम राइट फ्राम नाइन्थ टेंथेसी से पढ़ते आ रहे हैं कि ए टी पी सेंसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है एनिमल सेल्स में प्लांट्स के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होती है लेकिन यहाँ चूँकि हमारा एनिमल से फोकस है तो एनिमल्स के अंदर जो ए टी पी सेंस वो कहाँ होगी माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ए टी में अगर हम देखें तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है सीक्वेंस ये है कि जितना भी हम फूड लेते हैं वो फूड सारे का सारा बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है या फैटी एसिड्स हैं जब ये फैटी एसिड या ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचेंगे तो फिर इनकी प्रॉपर ब्रेकडाउन होगी सेल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन सेलुलर रेस्परेशन में बेसिकली डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं जिसमें एक ग्लाइकॉलिस है साइकिल है ग्लाइकॉलिस और क्रैब साइकिल के दौरान जो ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन की जाएगी ग्लूकोज का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जबकि ग्लूकोज के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उनको हारवेस्ट किया जाएगा वो हारवेस्टिंग बेसिकली होती है एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू की फॉर्म में यानी अगर हम बात करें कि पूरा जो हमने फूड खाया है न्यूट्रिएंट्स लिए हैं सेल ने उसे क्या लिया है सेल ने उसे एक्सट्रैक्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए हैं ग्लाइकोलिस में जो एटीपी पैदा होती है वो तो सिर्फ दो मालिक्यूल्स होते हैं जबकि जो मेन चीज ग्लाइकोलिस से या साइकिल से मिलती है सेल को वह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अब क्या किए जाएंगे ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एन और एफ के पास होते हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से हाइड्रोजन आयंस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उठाकर बाहर फेंके जाते हैं तो रिजल्ट ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया का जो हाइड्रोजन आयंस है उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है जबकि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन का नंबर कम हो जाता है यानी अगर हम इसका ओवरऑल रिजल्ट देखें ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट यह है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाइड्रोजन आयन उस एनर्जी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमैम्ब्रीन स्पेस में भेज दिए जाते हैं और रिजल्ट यह है कि इंटरमैम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद हाइड्रोजन आयन का नंबर ज़्यादा है जबकि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन का नंबर कम है तो ये एक डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हाइड्रोजन कम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हाइड्रोजन ज़्यादा यानी इंटरमैम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस डिफरेंस का हम यूज वर्ड यूज करते ग्रेडियंट का ग्रेडियंट का से मतलब भी डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से एक हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन आयन का हम प्रोटॉन भी पढ़ते हैं तो कुछ जगहों पर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट लिखा था कुछ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट लिखा होता है दोनों का मतलब एक ही है अब ये जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट है या जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट है इसको यूटिलाइज किया जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उसकी वजह यह है कि जो हाइड्रोजन आयन जब बाहर ज़्यादा चले गए हैं तो उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है हाइड्रोजन आइन्स की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा फॉर एटीपी सिंथेसिस। उसके जब एटीपी सिंथेसिस के सेंस वो यूज़ किया जाएगा अब यह कि इसका मेकानिज़म क्या है मेकानिज़म यह है कि जो हाइड्रोजन आइन्स बाहर चले गए हैं वो सिंपली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वापस नहीं आ सकते बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह एक खास एंजाइम है एटीपी टी एटीपी टी वो जगह है जहाँ से हाइड्रोजन आयन वापस माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं लेकिन जब वो वापस आएंगे तो अल्टीमेटली सेल को क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी एटीपी मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे पास जो सिंपल कंसेप्ट है वो वह है कि हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट पैदा हो गया है माइट्रोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से अब वो हाइड्रोजन आयन वापस जब आएंगे तो उनके वापस आने के पास एक ही ऑप्शन है कि वो एटीपी टी के अंदर की जो चैनल है जो सुराख है वहाँ से वापस आएंगे अच्छा ये ए टी क्या है ए टी बेसिकली एक बहुत बड़ा एंजाइम है माइट्रोकॉन्ड्रे के अंदर जो क्या करता है कि ए को बनवाता है और हाइड्रोजन आयन से एनर्जी लेता है और ए टी करवाता है अच्छा अगर माइट्रोकॉन्डे का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो आपको पता है अक्सर लिखते हैं एफ़ पार्टिकल पार्टिकल के इंटर में इनर माइट्रोकॉन्डर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं और छोटे डॉट्स को हम क्या लिखते हैं दिस इज द एफ पार्टिकल एफ पार्टिकल जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रे के अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये डॉट्स क्या है ये बेसिकली एफ़ वन पार्टिकल एफ़ वन पार्टिकल्स ही एक्चुअली ए टी पी सेंथेटेज है ये एक बड़ा एंजाइम है इसकी वजह से पार्टिकल की फार्म में हमें माइक्रोकॉन्ट्रिया में नज़र आता है यहाँ उसका एक आप मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आप इनर माइक्रोकॉन्टर मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर अगर आप देखें तो ये ए टी पी सेंथेटेज इस तरह से एक जो है वो इसके आगे बड़ी सी नॉबलाइक स्ट्रक्चर like है जिसकी वजह से ये डॉट लाइक जो है वो लगता है यानी कि तो जबकि इसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये दोनों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि पहले में ये बताया जा रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन इसके ए टी पी सेंथेटेज के अंदर से होकर बाहर आएंगे आगे गुजरेंगे यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो साथ ही क्या हो जाएगा ए टी पी जो है वो सेंथिसाइज होगी हाइड्रोजन आयन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको ए टी पी बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा अच्छा जा दूसरी डायग्राम के अंदर ए टी पी सेथेटेज का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ए टी पी सन्थेटेज के अंदर एक्चुअली क्या है एक चैनल मौजूद है एक जब पोर है इस चैनल के अंदर से हाइड्रोजन आइन क्या करेंगे पास आन होंगे जब वो हाइड्रोजन आइन पास आन होंगे गुजरेंगे तो क्या होगा के ए टी पी सेथेसाइज होगी अच्छा मैकेनिज्म फिर क्या हुआ मैकेनिज्म इसका मतलब है कि ये है कि हाइड्रोज हाइड्रोजन आयन ने ए टी पी सेन्थेटेज के अंदर से बाहर आना है जब हाई ए टी पी सेथेटेज के अंदर से हाइड्रोजन आयन पास होते हैं गुजरते हैं तो फिर जो एंजाइम है इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और वो कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या करेंगी कि ए का मालिक्यूल सेंथिसाइज करवाएंगे या सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आय विल मूव फ्राम आउटसाइड टू द इन साइड बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन आएंगे और उन हाइड्रोजन आयन के अंदर आते हुए जब वो पास करेंगे ए टी पी सेंथेटेज तो आई टी पी हाइड्रोजन आयन से एनर्जी लेगा और उस एनर्जी की मदद से वो क्या करेगा ए टी पी मालिक्यूल को सेंथिसाइज करवाएगा यह आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आपको हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा लग रही है तो ये हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा जो है ये ये सिर्फ ए टी के अंदर से ही मालिक गुजर सकते हैं जब से ये गुजर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि साथ ए डी पी और इनआरगेनिक फास्टफेट उन दोनों को मिलाकर एटीपी सिंथेसाइज करवा रहा है एटीपी टी पी सन्थेटेज आप ए टी के पास ये कहाँ से एनर्जी आई कि उसने ए डी पी और इनआरगेनिक फास्फेट को आपस में इकट्ठा कर दिया मिला दिया है ये बेसिकली उसको एनर्जी मिलेगी हाइड्रोजन आइन से तो हाइड्रोजन आइन्स बेसिकली दे विल प्रोवाइड एनर्जी प्रोशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ए टी पी सेन्थेटेज को ए टी पी सेन्थेटेज फिर उस एनर्जी से ए टी पी को सेंथिसाइज करवाएगा और हाइड्रोजन आयन सिंपली बाहर से मूव करके अंदर आ जाएंगे इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन यूज नहीं हो रहे हैं अच्छा हाइड्रोजन आइन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फेट क्या होगी फेट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से सिंपली इलेक्ट्रॉन्स गुजर कर आगे चले जाते हैं एंड पर पहुँच जाते हैं इससे हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं बाहर से फिर वापस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पेशली क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे उसका यह है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं तो फिर वहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन भी आ जाते हैं ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होगी ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा ऑक्सीजन को वो दो इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को मिलेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा वो हाइड्रोजन को साथ मिलाकर वाटर बना देगी तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हाइड इलेक्ट्रॉन्स और बाहर से आने वाले हाइड्रोजनस ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना देंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ तीन मिलकर ये वाटर मालिक्यूल्स बनाते हैं अच्छा अब अपने हम जब शुरू में पढ़ते हैं हम ये कहते हैं कि जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो अगर हम इसको देखें तो जब साइकिल चलता है तो उस वक्त ग्लूकोज के पास जो कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाती है लेकिन वाटर कहीं भी और नहीं बनता है तो फिर वाटर कहाँ बन रहा है वाटर ये इस पॉइंट के ऊपर आकर बनता है कि लास्ट पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं हाइड्रोजन आइन्स भी आ जाते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगी